तो क्या होता है, तुम अगर बिल्कुल ही अलग प्यार करो जो कि शायद से समाज को पसंद ना हो, तो उस प्यार का क्या होता है? तो आज की मूवी रिव्यू में हम ऐसी पिक्चर के बारे में बात करेंगे जो समाज की अपेक्षाओं से बिल्कुल उलट है, जिस मूवी का नाम है कलर फोटो। तो तुमने इस मूवी के ज़रूर से इंस्टा पे एडिट्स देख रखे होंगे, वो कलर वाला भेद मूवी उससे थोड़ी ज़्यादा है। तो शुरुआती मूवी में दिखाया जाता है कि SS राजामौली को डेडिकेट करी गई है पूरी मूवी, क्योंकि ऑब्वियसली डायरेक्टर फैन था SS राजामौली की, जैसे कि हम सब हैं, क्योंकि ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाई है भाई ने इंडियन सिनेमा को। तो मूवी चलती है 3000 डेज के फ्लैशबैक के साथ, स्टार्ट करती है अपनी स्टोरी टेलिंग को। उससे पहले दिखाया जाता है कि जो एक्ट्रेस है या जो मेन लीड में से एक है, वो फॉरेन में सेटल हो चुकी है और अब वो वहीं रहती है 10 साल से। और मूवी की खूबी ये है कि वो बहुत नॉन फेसेस के साथ नहीं आई, क्योंकि नॉन फेसेस रिस्क नहीं लेते ऐसा, जो ये चीज़ है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा दिखाई जा रही है हिपोक्रेसी सोसाइटी की जिसमें हम सब रहते हैं, जो हमारे साथ भी होता है शायद से हम कभी कह नहीं पाते, बट है, तो ये तो सच है। तो इसमें सोसाइटी के हर सेक्शन के ऊपर बात हुई है, कैसे वो तुम्हें मूवी में देख के पता चलेगा। तो कॉलेज में जैसे कि ट्रू लव हो जाता है बहुत लोगों को, वही उसको हो गया, बट वो कभी कन्फेस नहीं कर पाता अपना ट्रू लव बिकॉज ऑफ हिज कलर। उसे लगता है कि लड़की कभी भाव ही नहीं रहेगी, आधे ज़्यादा मर्द यही सोचते हैं, कलर कॉम्प्लेक्शन से दब जाते हैं। और भी बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत फैक्टर्स आते हैं, वो इसलिए नहीं बताता क्योंकि कलर डिफरेंस, ऊपर से उसका खुद के काम का डिफरेंस। यहाँ लिटरली मी वाली फीलिंग हो गई थी भाई के लिए, बट कोई नहीं। और इस मूवी में रेसिज्म को बहुत तगड़े तरीके से दिखाया है, उसमें कहीं वो नहीं होता, एक स्टेप पीछे नहीं लिया जाता। वहाँ मूवी ही इस टॉपिक पे बनाई है, तो खुलेआम दिखाते हैं कि हर जगह रेसिज्म हो रहा है। तुम सोचोगे उस कैरेक्टर के साथ, अब ये बंदा जो है ये इतना सीनियर पावर में, वो तो नहीं करेगा, वो भी कर देता है। मैं मूवी में एक की कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ जो इतना ज़्यादा मूवी में नहीं दिखाया जाता, बट जब आता है तो एक पावर और एक अथॉरिटेटिवनेस के साथ आता है। बट जब वो जो रेसिज्म करता है, इस मूवी को देखते देखते मेरे को पर्सनल ट्रॉमा ज़्यादा हुआ है, जैसे जब उसका प्रिंसिपल उसको कहता है कि तुम स्पीच नहीं दे सकते क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ दी लास्ट इंप्रेशन, तो तुम्हें मैं स्पीच देने नहीं दूंगा क्योंकि जो बंदा आया है आज स्पेशल गेस्ट वो है अमेरिकन, तो तो उसके सामने अगर काले शेड के बंदे को दिखाएंगे तो अब क्या असर पड़ेगा, जबकि वो सबसे बढ़िया बोलता है। तो और तुम्हें रेसिज्म का पीक पता है कहाँ पता चलता है, कि कोई भी सिचुएशन में कुछ भी गलत होता है, तुम एक एक काले रंग वाले इंसान को आगे कर देते हो क्योंकि ही इज़ द कल्प्रिट, क्योंकि ये है, मान बैठे हैं सब पूरी दुनिया के, अगर कुछ गलत होगा तो एक काले रंग के इंसान नहीं करा होगा और सब दूध के धुले हैं। तो मूवी में कुछ मेटाफोर्स भी हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, जैसे कि एक अपनी वान सेना लड़ रही है ब्रिटिशर्स की आर्मी से और पेल लिए, गजब पेल लिए, फिर लास्ट में बैठे हैं, हाँ भाई क्या करना है बता, फिर पिटेगा और फिर उसकी झंड करके बिल्कुल उसको बेचते हैं, मज़ा आता है उस सीन में। और मूवी में हमारे लीड का एक मोनोलॉग है जिसमें वो एक्सप्रेस करता है अपने आप को, जो उसकी लव इंटरेस्ट है उसके आगे, कि अगर मैं तुमसे प्यार करने की कोशिश करूँगा और हम दोनों एक साथ भी होंगे तो मेरे सबसे करीबी ही सबसे अजीब बर्ताव करेंगे मेरे साथ, वो कहेंगे कि यार ये तो गुलाब जामुन है, ये ब्लैक एंड वाइट एक साथ कैसे हो सकते हैं, ये कॉम्बो अच्छा नहीं लग रहा, या तू ये सपनों में ही कर सक। और जो ये कन्वर्सेशन होती है उसके बाद लड़की अपना प्यार जाहिर करके, मतलब उसको हक करके चली जाती है बस में, तो एकदम से वो फ्रेमिंग कितनी तगड़ी करी है, पीछे राधा कृष्ण की फोटो थी, समझ रहे हो, सबसे बड़े एग्जांपल जो ये टट पूंजी कहते हैं कुछ नहीं होता है, अरे ये देखो यहाँ है। तो अब सीरियस बात पे आ जाते हैं, चाहे कुछ भी कह लो, मूवी देखने में शुरुआत में अच्छी लग रही होती है, बट कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें पता है, अगर लोअर क्लास और अपर क्लास के लोग मिलते हैं तो कुछ बुरा ही होता है, क्योंकि वो एक होने के लिए तो नहीं बने इस सोसाइटी में, तो नहीं जिसमें हम रह रहे हैं। और रियलिटी जब सामने आती है कि टीचर भी डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया, वो बहुत हार्श फीलिंग होती है किसी भी लिए भी। बट प्रिंसिपल के मना करने के बावजूद जब वो स्पीच देने जाता है स्टेज पे और जो मज़े दे के आता है बीच में 2-4 इंग्लिश के इंजीनियर इज बेस्ट करके, भाई लास्ट में वो जो इंजीनियर इज बेस्ट, यस बकचोदी, वो फील देता है कि हाँ ये है। और मूवी के कैरेक्टर को तुम इतनी नफरत भरी निगाहों से देखोगे क्योंकि उसका जो एसेंस है वो लिखा ही ऐसा गया है कि वो बुरा है, लिटरली बुरा है। तो तुम्हें अगर बताना चाहूँ तो जो लड़की का भाई है वो काले शेड का है और वो ये कहता है कि मैं इसकी शादी किसी अमेरिकन से करा दूंगा और इनकी अगर बेटी होगी तो मैं अपने बेटे से शादी करा दूंगा ताकि मेरी अगली से अगली पीढ़ी गोरे रंग की हो। तो इतना बुरा लगता है उसको खुद के कलर की वजह से, पता नहीं किस वजह से, क्योंकि शायद से उसने सोसाइटी की बातें दिल पे ज़्यादा ले ली हैं भाई ने, ऐसा हो सकता है क्योंकि। और मूवी में एंडिंग के पास एक सीन आता है कि जब हमारे लीड को किडनैप कर लेता है लड़की का भाई, तो तुम्हें पता है कि क्या होने वाला है, मार पिटाई बिल्कुल हुई, बट जो एक
ट्विस्टेड चीज है ना वो ये हुई कि वो जो लड़का है वो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता था क्योंकि उसकी माँ नहीं है, वो जो अपने गाय का बच्चा होता है उसमें अपनी माँ को देखता था, ठीक है, और जब वो उसको उसी का बीफ खिला था, तुम समझ रहे हो, इतना फक्ड अप चीज थी वो। मैंने देखी फिर मैंने कहा कि स्टॉप, ये क्या हुआ अभी मेरे सामने। वहाँ मैं थोड़ा सनका के भाई इट्स रियली डिस्गस्टिंग। और वैसे इस चीज़ में लूप होल है, जैसे मेरे को पता चला कि अगर ये चीज़ें हो रही थी तब उसका बाप कहाँ था, मतलब जो लड़के का बाप है वो तो घर पे ही रहना चाहिए था या पूरे टाइम कहीं था कि ये अब जब किडनैप हुआ बेटा तब भी नहीं पता चला, और जब जब गाय के बच्चे को उठा के ले गए तब भी नहीं पता चला, हाउ दिस हैपन। और एक दिखाई जाती है हैप्पी लाइफ, और उसके बाद असली टेक दिखाया जाता है, रियलिटी का टेक जो हुआ, जो कि हमें शायद से शुरुआत से ही पता था मूवी के यही होने वाला है, बट सैड रियलिटी यही है कि यही होता है। इससे ज़्यादा बुरे केसेस सुने मैंने, आपने भी कहीं ना कहीं सुने होंगे अपने आसपास में, क्योंकि ये सोसाइटी है, यहाँ चीज़ें आइडियली मैच करने की कोशिश की जाती है, यहाँ नहीं जिया जा सकता वैसे जैसे तुम चाहते हो या किसी और को जीने का हक हो, क्योंकि सोसाइटी में सब वैसा ही होने की कोशिश करते हैं जो कि आइडियल चीज़ होती है, पर है कोई नहीं वैसा, सब अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं घुट रहे हैं, बट उसको सामने नहीं लाएंगे ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि अरे मैं तो इससे नीचे रह गया या ऊपर रह गया, ये नहीं चाहते बस। और हमारा लीड एक सैड एंडिंग के साथ चला जाता है और मूवी ख़त्म होती है एक हार्श रियलिटी के साथ कि अगर कोई बच गया दोनों में से ही तो वो ज़िंदगी शायद से अच्छी तो नहीं होने वाली, क्योंकि वो एक जो कोना होता ना वो हमेशा उस जगह उस बंदे के लिए रहेगा हमेशा खाली, वेकेंट, यू नो। पर्सनली इस लेवल पे प्यार नहीं गया और ना मैं ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि नहीं है मेरे को अपने दिल को चार बार तोड़वाने की आदत है, तो ठीक है भाई। और ये पिक्चर आखिर में तुम्हारी आंखों में सच्चाई और नमी दोनों छोड़ के चली जाएगी, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें किसके साथ जीना है। तो हाँ, मूवी का रिव्यू यहीं तक था, अब मैं कल आऊँगा एक नई कहानी एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी नस दुरुस्त रहना, और भेदभाव को मिटाओ यार, बाय बाय। बॉडी के आगे आप बैठकर रो रहे हैं और कोई टाइगर आ जाए तो आप क्या करोगे? मैं तो भाग जाऊँ।